मेरा ये नजरिया अब एक खुशबू की तरह मुझसे जुड़ा है। That's my point of view. Expose the truth. Expose. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान शाह सुखेरा। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं भावनगर चिड़ियाघर में, और ये इसके बारे में बता दूं, ये 1986 से लेकर 1988 के दरमियान ये जो तामीर हुआ, तो ये 2 साल के अंदर इसकी तकमील हुई। ये डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुआ और इसकी जो लागत थी उस वक्त तामीर होने की वो तकरीबन 3 मिलियन थी। और आज ये किस साल में है और यहाँ विजिटर आते हैं उनके क्या तासरात हैं, तो आज यहाँ के हम आपको सैर कराएंगे और इस चिड़ियाघर की, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये तकरीबन जो 15 एकड़ पर ये कायम है, 15 एकड़ पर मुहित यानी इसका रकबा है, तो 15 एकड़ में मुख्तल छोटे छोटे पार्क भी हैं यहाँ पर सैर करने के लिए, और यहाँ पर जानवर भी रखे हुए हैं यानी कि चिड़ियाघर। तो देखते हैं कि यहाँ के जो सहूलियात कैसी हैं, इंतज़ामिया का कितना रोल है और यहाँ किस चीज़ का फुकदान है, ये सभी चीज़ें अगर कोई काबिल तारीफ चीज़ होगी उसकी तारीफ करेंगे, ये काफ़ी चीज़ अच्छी है, अगर कोई मसाइल होगा उसे उजागर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का चिड़िया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो रीछ का पिंजरा है, इस पर यहाँ पर 2 रीछ हैं, ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैं आपको दिखा सकता है, एक ये रीछ है एक आधी रीछ है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इसकी सैर करा रहे हैं भावनगर चिड़ियाघर की। यहाँ पर बंदर रखे हुए हैं तो काफ़ी तादाद में है, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है जूम करके, तो ये इस पिंजरे में बंदर रखे हुए हैं। तो आए आगे हम किसी और जानवर का हम पिंजरे के पास जाते हैं और दिखाते हैं। तो नाज़रीन ये पहला जो पिंजरा हमने दिखाया था वो बंदर का था, ये लंगूर, इसमें लंगूर है वो देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इस पिंजरे में लंगूर बंद है। ये बहुत खूबसूरत पिंजरे। तो अब हम आगे जाएंगे, किसी और परिंदे का या जानवर का हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, काला हिरन, ऊपर ये तख्ती वगैरह भी लगी हुई है, ऊपर उनकी मालूमात खुराक के बारे में लिखा हुआ है ताकि यहाँ विजिटर आए वो इसके बारे में मालूमात हासिल कर सके। तो आगे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, आगे हैं हिरन। तो नाज़रीन पहले हम दिखा रहे थे आपको काला हिरन, और इस वक्त मैं पिंजरे के पास मौजूद हूँ जहाँ पर लिखा है सांबर हरन, और यहाँ पर इसके मालूमात दी हुई है इसके खुराक के बारे में, तो मेरा कैमरामैन आगे इसके दिखा सकता है तस्वीर किस तरह का ये इसकी लुक है। तो नाज़रीन ये एक भाईजान हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ विज़िट करने आए, हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर आकर उन्होंने क्या महसूस किया, कैसा लगा चिड़ियाघर, यहाँ की कमी क्या है, यहाँ क्या कुछ बेहतर होना चाहिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चौधरी मुनीब है। तो भाई मुनीब साहब ये बताएँ कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या फ़ील किया, कैसा लगा, और आपकी नज़र में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या मज़ीद डिवेल्प होनी चाहिए? देखें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की सैर व तफरी के लिए भी होनी चाहिए, उनका जो फ्री टाइम है उसमें पेरेंट्स जो लेके आते हैं तो बच्चा अपने उसमें ज़रा माइंड उसका फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ कमी पेशी ये है कि एक तो सफाई के लिहाज से काफ़ी जो इश्यूज़ हैं, फिर ये जहाँ जहाँ पे ये ट्रैक्स बने हुए हैं इन पे इन्हें कोई टफ टाइल या इस तरह का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, कैंटीन का प्रॉपर इंतज़ाम इन्हें करके देना चाहिए, और जानवर ये वही जानवर हैं जो मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, वही आगे बच्चों को प्रमोट हम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें इन्हें थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए, कोई जानवर इन्हें न्यू लेके आने चाहिए, और ये जो सफाई के लिहाज से बाकी माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, एक अच्छी तफरीगा है, और मैं चाहूँगा कि इसकी कंटीन को डेवलप होना चाहिए ताकि यहाँ जो फैमिलीज बच्चे आएँ वो यहाँ खुल के इंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पास कर सकें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें अपना। शुक्रिया। ये थे एक विज़िटर जो अपने व्यूज़ दे रहे थे, उनके मुताबिक यहाँ अच्छा माहौल है लेकिन मज़ीद डिवेल्प करने की ज़रूरत है, जो नए जानवर मंगवाए जाएँ ताकि बच्चे उनसे महसूस हों, फैमिली आती हैं, तो मज़ीद वाकई यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है।
तो इस तरह के फंड जारी किया जाए इसे मजीद बेहतर करने के लिए। नाज़रीन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट इकतबा हली का है, तो इंतज़ामिया को हम गुजारिश करते हैं कि ये बहावनगर आवाम के लिए एक वहद तफरीगा है, तो इस पर थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है, तो ये टूट फूट का शिकार है, तो लिहाजा ये गुजारिश है, हमारी अपील है कि इसे तमीर किया जाए, जहाँ जहाँ जो पॉइंट इस तरह के हैं डैमेज हैं ये रिपेयर किए जाए। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ जो परिंदे रखे हुए हैं मुख्तलिफ पिंजरे में, तो यहाँ आपको हर तरह का परिंदा जो बहुत खूबसूरत ये मोर देखने को मिल रहा है, तो चकोर मुर्गी, इसके अलावा काफ़ी किस्म के जो परिंदे हैं बड़े खूबसूरत परिंदे हैं, ये काफ़ी बड़ा पिंजरा है, इसके अंदर सभी परिंदे हैं, तो ये मेरा ख्याल मैंने जितना गौर किया ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे पिंजरा ये लगा है जिसके अंदर ज़्यादा तादाद में परिंदे रखे गए हैं, और एक यहाँ सफाई बहुत अच्छी नज़र आ रही है, जहाँ एक तरतीब नज़र आ रही है मुझे, तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है यहाँ मुख्तलिफ तरह के आपको परिंदे देखने को मिलते हैं। तो आगे छोटा सा साथ तालाब भी बना हुआ है ताकि ये जो पानी के परिंदे हैं जिस तरह ये बतख वगैरह इस तरह वो इसमें तैर सकें। तो ये देखें यहाँ पर ये छोटे से तालाब बना हुआ है ताकि जो परिंदे वगैरह यहाँ तैर भी सकें, तो ये आपको मोर वगैरह बतखें मुर्गियाँ चकोरें इस तरह की काफ़ी और भी परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये एक बहुत खूबसूरत परिंदे इस पिंजरे के अंदर काबिले तारीफ हैं। नील गाय के पिंजरे पर, तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, अंदर आपको नज़र आ रही है, ये है नील गाय जो इस चिड़ियाघर में मौजूद है, तो नाज़रीन हम मुख्तलिफ मालूमात दे रहे थे मुख्तलिफ परिंदे और जो के जानवर दिखा रहे थे पिंजरों के अंदर, तो ये काफ़ी खूबसूरत है जो चिड़ियाघर, तो लेकिन यहाँ फिर भी कुछ मज़ीद वर्क की ज़रूरत है, तो इस हवाले से हम यहाँ आए हैं और आपको सैर कराई है। नाज़रीन अब हम ये ऊपर जो टीला बना हुआ है ऊपर बहुत खूबसूरत जगह बनी है जहाँ विजिटर आएँ, और यहाँ जो चिड़ियाघर यहाँ मुकम्मल नज़र आता है, ये बुलंदी पर ये तामीर किया गया है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ नज़र आता है, मेरा कैमरा मैन आपको चारों इतराफ दिखा सकता है कि बड़ा खूबसूरत जो यहाँ इस पॉइंट पर खड़े होकर आप देखें, तो यहाँ जितने भी पिंजरे हैं जो परिंदों के या जानवरों के वो भी नज़र आएंगे, मुकम्मल चिड़ियाघर, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है यहाँ पर। तो नाज़रीन आज का प्रोग्राम यही प्रोग्राम था इस हवाले से, आज हम आपको सैर करवा रहे थे भावनगर चिड़ियाघर की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ वर्क है, बहुत अच्छा चिड़ियाघर है, लेकिन यहाँ जो चीज़ें की कमी है वो है कि अब हम यहाँ को जो इंतज़ामिया है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट भावनगर की उनसे ऐसे फ़ंड जारी करे कि यहाँ पर मज़ीद जो बड़े परिंदे हैं हाथी शेर वगैरह इस तरह के वो परिंदे भी आएँ, बाकी इस तरह का और फंड जारी करें, जहाँ जो हमें नज़र आई हैं जो जगह इसका लेवल अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर ग्रासी प्लाट होने चाहिए, तो इसकी मज़ीद जो तफरी गाह को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और ख़ूबसूरत यहाँ डिज़ाइनिंग की जाए, और यहाँ पर जो डस्टरबिन वगैरह जैसी चीज़ें वो भी लगाई जाएँ, इस मुख्तलिफ पॉइंट पर जो वाटर के हैं वो पॉइंट दिए जाएँ ताकि यहाँ जो विजिटर आए वो पानी पी सके, तो यहाँ फ़ंड जारी किए जाएँ मज़ीद ताकि ये हमारी जो भावनगर की जो तफरी गाह है इसे बहाल किया जाए, मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। तो बस यही प्रोग्राम था, और ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल दी एक्सपोज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त अपने साथी कैमरामैन मोहम्मद असदुल्ला पलवन के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।